Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. बीजेपी के बीच में बात करने के लिए आज हमारे साथ दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी जी हैं। बिधूड़ी जी, बहुत गर्मा गर्मी रही कांग्रेस की लंबी चौड़ी मीटिंग हुई कि आपके साथ दिल्ली में गठबंधन करना है या नहीं करना है। फाइनली कांग्रेस की तरफ से ना हुआ, परंतु आपको लगता है कहीं ना कहीं रास्ते खुले हैं। कैसे देखते हैं आप इस राजनीति को? देखो, ये बात प्रूव हो गई है कि ये लोग सत्ता भोगने के लिए समाज में आए हुए हैं। वही केजरीवाल जो ये बयां करता था कि हम अपना कैरियर छोड़कर आए, कैरियर बनाने नहीं आए, हम समाज सेवा के लिए आए, वही केजरीवाल कहता था मेरे दो बच्चों की कसम कांग्रेस के साथ कभी संगठबंधन नहीं बनाऊंगा। वही केजरीवाल बोला करता था कि कांग्रेस भ्रष्ट है, शीला दीक्षित भ्रष्टाचार का पर्याय है, वाड्रा चोर है, वाड्रा को गिरफ्तार करो, कपिल सिब्बल चोर है, जिन्होंने मानहानि का दावा था कपिल सिब्बल जैसे लोगों ने करने के बाद केजरीवाल से माफी मंगवाई थी। वही केजरीवाल आज सत्ता भोगने के लिए, उसको मालूम है कि दिल्ली की जनता अब उसे नफरत करती है। दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव में उसको हराया, निगम के चुनाव में उसको हराया, पंजाब के और गोवा के लोगों ने केजरीवाल को हैसियत बताकर वहां से वापस लौटाया। तो इस प्रकार से केजरीवाल को मालूम है कि वो अब कांग्रेस के कंधे पर बैठकर कुछ वोट इस प्रकार की है, एक विशेष समुदाय की वोट है, वो अब केजरीवाल को पढ़ने वाली नहीं है, जैसे दिल्ली के आम जनमानस की वोट पढ़ने वाली नहीं है। तो विशेष समुदाय की वोट केजरीवाल के साथ जुड़ जाए, इस मानसिकता को बना के बार बार केजरीवाल दुहाई दे रहा है कि कांग्रेस और हम मिल जाएंगे तो शायद हमें समर्थन मिल जाएगा। पर ये बहुत विडंबना की बात आपको लगती है क्या कि शीला दीक्षित, जिनके खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा, जिनके खिलाफ चुनाव लड़कर वो सत्ता में आए, वो आज कांग्रेस की अध्यक्षा है दिल्ली में और उन्हीं से गठबंधन की बात केजरीवाल कर रहे हैं? मुलायम सिंह और मायावती कहते इतिहास को पुराना नहीं है, कम्युनिस्टों का और ममता जी का इतिहास को बहुत पुराना नहीं है। तो ये वही थैली के चट्टे बट्टे लोग हैं कि शासन सत्ता के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए, सत्ता भोग के लिए किसी भी सूरत तक गिर सकते हैं। वही सारी प्रकाष्ठाएं पूरी केजरीवाल साहब कर रहे हैं कि किसी भी सीमा तक गिर जाऊं पर मुझे सत्ता मिल जाए। कहां गया गरीब आदमियों का अधिकार दिलवाना? कहां गया झुग्गी झोपड़ी के लोगों के अंदर उनको पक्के मकान और बाथरूम दिलवाना? कहां गया अनियमित कॉलोनियों को नियमित करवाना? कहां गया टेम्परेरी एम्प्लॉय को परमानेंट करने के बाद, टीचर्स को, डीडीए में, एमसीडी में? तो केजरीवाल साहब आज उस स्तर तक गिर गए हैं इसकी कल्पना नहीं कर सकते। इसी केजरीवाल के जैसे लोगों की वजह से विश्वसनीयता राजनीति में कुछ लोगों की खराब हुई है पिछले 65 साल में। कांग्रेस ने किया वो काम केजरीवाल कर रहा है। पर उनका तो कहना है कि बीजेपी सत्ता में ना आए, बीजेपी देश के लिए हानिकारक है, सिर्फ इसीलिए वो गठबंधन करना चाह रहे हैं। क्योंकि केजरीवाल के साडू पर भ्रष्टाचार का मुकदमा बना, केजरीवाल के 10 विधायक कोई चरित्रहीनता के मामले में, राशन कार्ड बनवाने के मामले में, यौन शोषण के मामले में, कोई ठेकेदारों के साथ में रिश्वत लेने के मामले में, कोई फर्जी डिग्री के मामले में। तो इस प्रकार से चोरों की पंचायत थी केजरीवाल के साथ। और अब केजरीवाल को जब लोग हिसाब मांगने लगे तो प्रशांत भूषण जैसे लोग, कुमार विश्वास जैसे लोग, वो सब केजरीवाल को छोड़ छोड़ कर भागे हैं। तो कहीं ना कहीं केजरीवाल अपने वर्चस्व को बनाए बचाए रखने के लिए भ्रष्टाचारी खुद केजरीवाल अब कांग्रेस के भ्रष्टाचार का सहारा लेना चाहता है। लेकिन केजरीवाल साहब मोदी जी के निवेदन पर, आग्रह पर देश ने कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की ठान ली है। तो इसीलिए कांग्रेस की विचारधारा के साथ कुछ लोग जो गलती से 65 साल तक कांग्रेस के साथ चलते रहे थे, उनको राष्ट्र हित में, नेशनलिज्म के चक्कर में समझ आ गई है, तो वो कांग्रेस को छोड़ चुके हैं। ये भ्रम है केजरीवाल का कि वो वोट जो कभी कांग्रेस के नाम से कांग्रेस को पड़ती रही थी वो केजरीवाल को पड़ जाएगी, वो केजरीवाल को पड़ने वाली है नहीं। ये केजरीवाल को आने वाले वक्त में पता लग जाएगा, एक 8-10% दिल्ली में जो वोट है विशेष समुदाय का जो मैंने कहा है, या पाकिस्तान प्रस्त लोग जो देश में रहते हैं, जिनकी बयानबाजी पाकिस्तान की सुर्खियां बनती हैं, उन लोगों का सहारा केजरीवाल केवल लेना चाहता है। पर आपको लगता है चुनाव आने ही वाले हैं, कहीं ना कहीं या तो फ्रेंडली मैच होगा या ऐसा होगा कि एंड टाइम पर गठबंधन हो सकता है कांग्रेस और? नहीं, फ्रेंडली मैच कुछ असर पड़ेगा दिल्ली? देखो, दिल्ली में मैंने कहा ना, दिल्ली में इसका कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। मैं फिर इस बात को कहता हूँ, कांग्रेस का जो नीचे का वर्कर है, नीचे का कार्यकर्ता है, वो शीला जी भी जानती है, वरना पहले वही शीला जी थी, वो इस हक में थी गठबंधन हो जाए। पहले अजय माकन जी विरोध कर रहे थे, अब शीला जी को लगा कि ये तो नीचे तो बिल्कुल सारी कांग्रेस टूटकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएगी, और अजय माकन जी को लगा कि मैं शायद नई दिल्ली से, अब अजय माकन जी रागल आपने लगे हैं, गठबंधन होना चाहिए, क्योंकि वो चाह रहे हैं शायद गठबंधन हो जाए तो दिल्ली के अंदर मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाऊं। लेकिन अजय माकन जी को भी राजनीतिक सूझबूझ के साथ सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कांग्रेस अब भारतीय जनता, कांग्रेस के जो समर्थन में कहीं लोग 65 साल तक रहे थे, वो सब मतदाता
कहीं ना कहीं मोदी के जी के ऊपर विश्वास करते हुए नेशनलिस्ट में राष्ट्रवादी शक्तियों को मजबूत हुए और देश के विकास को और दुनिया में देश की स्थिति को देखते हुए वो सब डाइवर्ट, वो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ ट्रांसफर हो रहे हैं, इसलिए केजरीवाल साहब का भ्रम भी निकल जाएगा और कांग्रेस का भ्रम भी निकल जाएगा। तो भाजपा का मानना है गठबंधन हो या ना हो, इसका असर चुनावी नतीजे पर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। द प्रिंट के लिए प्रज्ञा कौशल।